सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल हैकिंग मास्टर ऑल इन वन को और दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं विकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैकिंग मास्टर ऑल इन वन। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने यूट्यूब वीडियो के लिए, जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल सेट कर सकते हैं या फिर थंबनेल चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे थंबनेल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर अपने जो यूट्यूब अकाउंट है उस पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर देख लीजिए थ्री डॉट पर डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको अपने चैनल के आइकन पर क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर एक चैनल के आइकन है मेरा वाला, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। चैनल यहाँ पर देख लीजिए, चैनल पर क्लिक कर देंगे तो चलिए चैनल पर क्लिक कर देते हैं। चैनल पर क्लिक कर देने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको देख लीजिए यहाँ पर कस्टमाइज चैनल लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देते हैं। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो मैनेजर ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। वीडियो मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर इंतज़ार कर लेना है, तो आपका वीडियो यहाँ पर आ जाएगा। जितने भी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के नीचे देखिए एडिट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देते हैं। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको दिख जाएगा कस्टम थंबनेल लिखा हुआ है, मैक्सिमम फाइल साइज इज 2 MB, मतलब कि 2 MB से ज़्यादा आप अपलोड नहीं कर सकते हैं थंबनेल। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं कस्टम थंबनेल पर। तो कस्टम थंबनेल पर क्लिक करने के बाद अलाउ कर दीजिएगा, ओपन सेटिंग आ रहा। तो कस्टम थंबनेल पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है, मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख लीजिए यहाँ पर रिसेंट आया है, तो आपको नीचे गैलरी पर चला जाना है। आपको जहाँ पर है वहीं पर चले जाइए, आपका जो थंबनेल है जहाँ पर है वहीं पर चले जाइए। तो मैं गैलरी पर क्लिक कर देता हूँ। गैलरी पर क्लिक करने के बाद ऐड आइटम लिखा होता है, देख लीजिए फ़ोटो पर, फिर आपको ये भी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये देख लीजिए अपलोडिंग लिखा था है, तो ये अपलोडिंग हो गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना टैग डालिए, फिर यहाँ से वीडियो को आपको प्राइवेट जो लिखा है उस पर आपको क्लिक करके पब्लिक पर क्लिक कर देना है। पब्लिक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पब्लिक जो वीडियो लिखा हुआ है, देख लीजिए कैंसिल और पब्लिक लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा ऑल चेंजेस सेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल चेंजेस सेट लिखा है, मतलब कि सेव हो गया, मतलब कि पूरी तरफ से सेव हो गया है। तो अब दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं।